Standing there and looking at that landscape, it felt like I'm dreaming. The view literally gave us goosebumps. दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़, बीच से बहती एक नदी जिसका पानी नीले आसमान से भी नीला, और नदी के किनारे जाता एक पतला सा रास्ता. This was trek to one of the oldest monasteries of the world, Phuktar Monastery in Zanskar Valley of Ladakh. एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरने. तो कल 2.5 hours लगे थे हम लोग को गोंदमुरंगजन से पुरने आने में, एंड पुरने आके फिर थोड़ा सा लेट हो गया था. तो देन वी थॉट, एक बार तो हम लोग गए भी थे थोड़ा पार्किंग तक, बट उसके बाद फिर लगा था अंधेरे में ऊपर पहुंचने का कोई फायदा नहीं है. सो दैट्स वाई कल हमने यहीं पर आराम से चिल मारा, रेस्ट किया, एंड आज यहाँ से निकलेंगे फुक्ताल मोनेस्ट्री के ट्रैक के लिए. तो फुक्ताल मोनेस्ट्री एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है इंडिया की. तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह देखे हुए हैं, काफी अलग से लैंडस्केप्स हैं ट्रैक के. तो अभी फिलहाल बस एक कप चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं फुक्ताल मोनेस्ट्री के लिए. तो ये रहा तेंजिन कैंप्स जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं, एंड यहाँ से अभी 1.5 kilometers चले चले पार्किंग तक जाना है. आज भी काफ़ी ब्लू स्काई है, मौसम एकदम खुला हुआ है. तो अभी हो रहा है 7:40 पर रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो लेफ्ट नहीं देख रहे, रोड पर फोकस है. ये वो दूर सामने दिख रही है पार्किंग शेड, काफ़ी लंबा रास्ता है यार, इधर ही चल लेते हैं. हो हाँ, पूरे पत्थर ही पड़े हुए हैं, ये तो खतरनाक ही ऑफ रोड है, बड़े बड़े पत्थर है. अरे टॉप ऑफ रोड टू फुक्ताल मोनेस्ट्री, खतरनाक ही चल रहा है रास्ता तो, ये और पतला होता जा रहा है. नहीं नहीं ट्रैक नहीं शुरू हुआ, पार्किंग ही है आगे. शेड यार हाथ दर्द हो जाते हैं ऐसी ऑफ रोड में, बड़े बड़े पत्थर वाली ऑफ रोड में. अरे अरविंद कहाँ रह गया? ओ भाई साहब खतरनाक लग रहा है. ये है पार्किंग. किधर जा रहे हैं? आप यहाँ से जाइए, यहाँ से थोड़ा जाके उतरा ही है. ओके तो ये पीछे वाली बाइक पार्क्ड है, यहाँ से हमने ट्रैक खत्म किया है, हम वापस जा रहे हैं. ऐसे ही मूड कर रहे हैं इन लोग का ट्रैक को देख के, पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फुक्ताल मोनेस्ट्री का ट्रैक. ये ट्रैक स्टार्ट हुआ है, लुक एट द लैंडस्केप्स. अभी तो ट्रैक स्टार्ट किए 5 मिनट हुए हैं और अभी से ही लैंडस्केप्स बहुत ही ज़बरदस्त होने लग गए हैं. पर ये जा रहा है पूरा रास्ता, यहाँ से वो ट्रैक करते करते जो नीचे ट्रेल दिख रही है वहाँ तक जाना है हमें, वहाँ तक नहीं वहाँ से बहुत आगे तक जाना है हमें. अरे शॉर्टकट दिलवाया ये, आगे चल के देखो. चल रही हूं मैं, आगे आगे मुझे सपोर्ट दे रही है. भाई जाइए जाइए, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है गाइस. देखिए 3 steps में 5.5 feet के दोनों आदमी कवर हो गए हैं, नॉर्मल है. फुक्ताल मोनेस्ट्री के ट्रैक पे पेंगुइन मिल गई हमको. सामने देखिए चलिए. क्या शानदार व्यूज हो रहे हैं यार यहाँ पे, एंड रास्ता देखो. रुको वाह, शिका ये पहला पॉइंट है जहाँ पे हमने ब्रेक लिया है,
एंड मेरे हाथ में फैंटा नहीं है, ORS है। तो ये सब ट्रैक वगैरह जब भी कर रहे होते हैं तो ORS कैरी कर लो, डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। बाकी तो व्यूज बहुत शानदार हो रहे हैं, आराम से एंजॉय करते हुए जाओ। अच्छा हो हम लोग कल शाम को नहीं निकले, पहले हमने प्लान किया था कि हम लोग शाम को वहाँ पहुँचे थे एंड टेंट्स में सामान रख के सोच रहे थे कि ट्रैक करके ऊपर जाएंगे एंड ऊपर ही स्टे करेंगे, बट देन थोड़ा सा लेट हो गया था एंड इट वॉज गुड डिसीजन, क्योंकि अगर शाम को आ रहे होते तो इतना रुक नहीं पाते। वाह रेड वेलवेट हमें भी दे दे भाई, तू वीडियो में आ रहा है तो तू ही खाएगा। अच्छा सामान लेके चल रहे थे। तो अब चल दिए हम लोग, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ट्रैक किया अभी तक, अभी यहाँ से भी 2 किलोमीटर के अराउंड तो होने ही चाहिए और, बट इतना प्यारा रास्ता ही है, पूरे रास्ते में साइड में ये इंडस रिवर चल रही है। पता नहीं कौन सा एनिमल है ये, थोड़ा कैमोफ्लेज हो रहा है। क्या शानदार रास्ता जा रहा है यार। चल चल चल, ये आ रही है पतली सी ट्रेल। यू सी द लेवल ऑफ इंक्लाइन, पूरा रास्ता यार ये इतनी प्यारी रिवर के किनारे चलता है। संभाल के, खतरनाक यार, अलग लेवल का ट्रैक है ये। ये आ गया है ब्रिज, अब ब्रिज से मोस्टली 1/3 रास्ता और रह गया होगा। ये है पुराना वाला ब्रिज। ओ ये तो खतरनाक है, पहली ही स्टेप खतरनाक है, यहां से वहां तक वाह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, पर पहले यही रास्ता हुआ करता था। ओ भाई साहब, हैंगिंग ब्रिज, ओह पर ठीक है यहाँ से नहीं जाते हैं, नॉर्मल अपना ब्रिज बना हुआ है उससे ही चलते हैं। बस प्यारा सुंदर सा ब्रिज है, वाह। एंड ये ब्रिज भी थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो वो ब्रिज तो पता नहीं क्या ही होता, बट लुक एट दिस व्यूज, सामने एक वाटरफॉल भी दिख रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ता थोड़ा और टफ होता जा रहा है। ये देखो आगे का रास्ता, फिर नीचे उतरेगा पूरा, फिर चढ़ेगा ऊपर, थोड़ा टायरिंग ट्रैक है और अभी धूप और निकल आई है। तो फिर से बैठ गई। सामने देखो, वो जो लैंडस्केप था हमारे सामने वो किसी मूवी के सेट जैसा लग रहा था, इट डिडंट सीम रियल एट ऑल। इस ट्रैक पे ना वाकई में ऐसा लगता है कि आप हजारों साल पहले वाली दुनिया में पहुंच गए हो। And that's the beauty of Phuktar. गेट पे लिखा हुआ है Phuktar, मैं तो Phuktal पता था, बट दिस इज Phuktal मोनेस्ट्री। वो दिख रही है मोनेस्ट्री सामने, क्रेजी क्या शानदार दिख रही है यार, केव के अंदर है। देखो उसका, आप जब चाय पी रहे थे ना तब मैं निकल पड़ा था सुबह 6 बजे। नहीं जब उठे थे तो अभी पहुंच गए हम लोग गोम्पा के एकदम पास में एंड यहाँ पर है Phuktar गोम्पा गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, रन बाई योर नेम प्रतीक। मेरे भी प्रतीक नाम है यार। सो ये है एक छोटा सा गेस्ट हाउस, यहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल जाता है, ढाबा रेस्टोरेंट वगैरह एंड ये कुछ रूम्स वगैरह है। चार्जेस है यहाँ पे 1200 पर हेड। कल हमने कोशिश की थी यहीं पर आने की कि यहाँ पे आके रुक जाएंगे, पर थोड़ा लेट हो गए थे। तो इफ यू स्टार्ट अराउंड 2:30-3 o'clock फ्रॉम पुणे तो फिर यहाँ पे आराम से 2.5 hours में आ सकते हो एंड यू कैन स्टे ओवर हियर एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे गोम्पा घूम के वापस जा सकते हो। तो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से मोनेस्ट्री के लिए। ये आ रहा है पीछे से रास्ता जिससे हम लोग आ रहे हैं, वहां पर दिख रहा है वो ढाबा। तो ये जो रिवर बह रही थी पूरे रास्ते साथ में, ये थी शराब रिवर, TSERAB। मुझे लग रहा था कि इंडस रिवर है, आई डोंट नो, कहीं कुछ गलत याद था मुझे। एंड मेरे सामने है Phuktal मोनेस्ट्री, लुक एट दिस, पूरा एकदम रॉक्स पे बना हुआ है। वाह
क्या शानदार व्यू दिख रहा है यार, ये कैसे बनाई हुई है, दिस इज लाइक इनक्रेडिबल। हजारों साल पहले ऐसी कोई भी चीज इतनी हाइट पे आके कैसे बना दी उन्होंने। अभी तो फिर भी रास्ता है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बट दिस इज माइंड ब्लोइंग यार। तो लोकल लाइट्स ने बोला था कि 1 घंटा लगेगा या ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगेगा, पर ऐसा नहीं होता है। उन लोगों को रास्ते में फोटो नहीं खींचनी होती है, हम लोग को लग गए 2.5 घंटे। पर यार यहाँ पे आके जो फीलिंग है ना, दैट इज ऑसम। एक जो ट्रैक था, दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक टिल डेट आई हैव डन। पूरे रास्ते ये शराब रिवर, उस टाइम पे मैं शायद इंडस बोल रहा था, बट दिस इज शराब, TSERAB, शराब रिवर है। पूरा ब्लू पानी रास्ते में बह रहा होता है ना, एंड दैट गिव्स यू सो मच एनर्जी टू ट्रैक। यहाँ तक पहुँचना यार, मतलब दिल खुश हो गया एकदम। हेयर पिन बेंड्स। चलो अरविंद उठ जा। वो सामने दिख रहा ढाबा जहाँ पे हम लोग थे, वहां से जो स्टीप क्लाइम चालू हुआ है, हाँ पहुंच रहे हैं बस मोनेस्टी गेट में। तो ये है फुक्ताल गोम्पा, चलो चलते चलो। वाह, वेलकम टू गोम्पा। ये किचन है यहाँ पर नेचुरल केव में। ये है मेन टेम्पल, एक नेचुरल केव है जिसके बीच में पूरा टेम्पल है। ये है टेम्पल। क्या केव है, खतरनाक, और ऊपर जा सकते हैं। चलते चलते। ओ भाई यहीं पर है सब वो। ओ शिट, वो कबूतर वगैरह सब यहीं है। ये दिख रहा है यहाँ से पूरा नीचे का व्यू। If you are coming to Zanskar, तो फुक्ताल मोनेस्ट्री आना जरूर बनता है यार। पूर्ण में एक दिन एक्स्ट्रा रुको, बट डू दिस ट्रैक, एंड अगर पूजा वूजा कुछ मिल जाए फिर तो बात ही अलग। एंड इफ यू गाइज आर डूइंग Zanskar, तो आई वुड डेफिनेटली से कि सिर्फ और सिर्फ राइड मत करो या फिर क्रॉस मत करो, एक्सप्लोर द प्लेसेस, एंड फुक्ताल मोनेस्ट्री इज मस्ट विजिट यार। डेफिनेटली कीप अ डे फॉर फुक्ताल मोनेस्ट्री, एंड यहाँ पे जरूर आओ, ये ट्रैक मस्ट डू है। फिलहाल हम तो मोनेस्ट्री होके आ गए हैं, और अब यहाँ से वापस निकलेंगे हम लोग पुरने के लिए, एंड वहां से आगे पदुम के लिए, एंड दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो फिलहाल के लिए दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द सीरीज, एंड अगर मजा आ रहा है तो लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अभी तो बहुत सारे ऑसम व्लॉग इस सीरीज में आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग, एंड दैट्स वेरी बिलोंग। कीप राइडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।